पार्टी ने किसको मैंडेट दिया उस पर डिपेंड नहीं करता है। अगर जनता में वाकई में जिस कैंडिडेट को उस पार्टी ने चयन किया वो कैंडिडेट अगर पूरे अभी तक के जितने सालों तक उस वो कैंडिडेट जनता में गया है तो निश्चित ही उस कैंडिडेट की जीत होगी। दोनों पार्टी में अगर कोई आदमी नहीं कर उसकी जीत में जिसको लेकर जितना आश्वस्त है जहाँ पे वो भी मजबूत दावेदार आपके सामने है। बिल्कुल, हम पिछले 8 सालों से काम कर रहे हैं और हमने भी कांग्रेस बीजेपी को कहीं ना कहीं वोट किया है और हम इतनी बार वोट करते हैं लेकिन जो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं उन कार्यकर्ता अभी तक ना खुश है। उसकी वजह से हमको आज इतने साल बाद संघर्ष के बाद आज खड़ा होना पड़ा है क्योंकि जो निचले स्तर पे कार्यकर्ता है उनकी कोई सुनता नहीं है, उनकी कोई सुनवाई होती है और उनके साथ जो अत्याचार उत्पीड़न होता है उनके लिए कोई बोलने वाला नहीं। इसीलिए आज ये ऊपर बांध के नामांकन सर मेरे आदिवासी समुदाय भील समुदाय से बिलोंग करता हूँ तो गोपन मेरे समाज की पहचान है, गमछा मेरे समाज की पहचान है। तो हमारे पहले इस देश में अगर देश को बचाना है सबसे पहले आप जिस समुदाय में पैदा हुए उस समुदाय को आपको बचाने का कर्तव्य है, उसके बाद फिर ये देश को चले। इसलिए हमारी गोपन जो संस्कृति है उसको मैं लगा के आया हूँ ताकि जो मेरी पहचान है वो बनी रहे। जो जनसैलाब आप देखने को मिला है क्या वो वोटिंग तक आपके साथ ही रहे? बिल्कुल, ये जो जनसैलाब है ये आज का नहीं है, ये काफ़ी सालों से हमारे साथ में और हमने बिना चुनाव के लिए हमने कोई तैयारी नहीं की थी लेकिन हमारे जितने हमारे लोग हैं कार्यकर्ता हमारे साथी उन्होंने बोला था कि अपन को लड़ना चाहिए और करना चाहिए क्योंकि सब लोग कर रहे हैं। हमारे पास इतने पैसे नहीं लेकिन हमारे जितने भी कार्यकर्ता जितने भी हमारे सहयोगी सब अपने अपनी मर्जी से जो आज रैली है वो रैली हमारे नामांकन रैली में वो अपनी मर्जी से आए। धन्यवाद। जी गिरवा के कौन कौन से मुद्दे आपके हैं? मेरा सबसे पहला मुद्दा है जल जंगल जमीन का, उसके बाद जो हमारे हमारे आदिवासी समुदाय के साथ में अन्य दूसरे समुदाय जो रहते हैं चाहे कोई भी समुदाय हो कोई भी समुदाय आदिवासी समुदाय के साथ में रहता है उनको उनके साथ जो शोषण होता है उनके साथ जो अत्याचार होता है उनके खिलाफ आवाज़ उठाना है और हमारे जो जल जंगल जमीन की जो मांग है उसको पूरा करना है और शहर के आसपास भी जो लोग रह रहे हैं और जो रहे आदिवासी समुदाय के अलावा अन्य जो लोग रह रहे हैं जो जमीन जिनको जमीन अभी तक नहीं मिली है और रहते रहते 40-50 साल हो गए उनको सबसे पहले हमारा सबसे बड़ा मुद्दा जमीन को लेकर है। बाकी विकास तो कोई सी भी पार्टी आएगी कराएगी लेकिन हमारा मुख्य मुद्दा जमीन का है, शिक्षा का है और हमारे जो हमारे अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं उनको बचाने की जो मुहिम हुई है उस मुहिम को लेकर हम आज ये पर्चा भर रहे हैं। जी मैं उसके क्लास का ग्राम पंचायत अध्यक्ष हूँ। उनका परिचय? ये अमित भाई खिलाड़ी जावर मान से उदयपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से भी विधायक उम्मीदवार के फॉर्म भरा है इन्होंने। क्या कुछ मुद्दों पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं? अपने चुनावी घोषणा पत्र में क्या क्या बड़े मुद्दे जो हैं वो? बड़े मुद्दे तो वही है अभी अमित भाई ने बताया था आपको कि जल जंगल जमीन को बचाना है, शांति संस्कृति रूढ़ी परंपरा को बचाना है और सर्व समाज को लेकर साथ में चलना है, सबको शिक्षा से जोड़ना है, सबको खेल से जोड़ना है और इत्यादि जो